अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे मेरे अपने ड्रामा सीरियल के आने वाली नई एपिसोड की कहानी। रमशा के सास ससुर कहते हैं कि रमशा ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, उसको इस घर से निकालना होगा। रमशा की सास कहती है कि फिर क्या हुआ, वो ऐसी लड़की नहीं है, हमें ज़रूर कोई गलत फहमी हो रही है। रमशा के ससुर कहते हैं कि वो एक नहायत ही कम अकल लड़की है, उसको यहाँ से निकालो वरना मैं तुम्हें एक धक्के देकर अपने भाई के घर भेज दूंगा। तो उसके बाद उमर मरियम को कॉल करता है और उसको कहता है कि मरियम, तुम बहुत अच्छा लड़का डिज़र्व करती हो, तुम मुझे भूल जाओ, हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती। मरियम कहती है कि मेरी मोहब्बत मेरे एतबार का तुम ये सिला दे रहे हो, तुम मुझे बीच चौराहे में फिर छोड़ कर जा रहे हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। उमर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम किसी और से शादी कर लो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, आज के बाद मुझे कभी भी मत मिलना और ना ही मुझसे बात करना। उसके बाद मरियम अपनी बच्चों के घर पहुँच जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं एक दफ़ा फिर आपके दरवाज़े पर आई हूँ, जिस तरह आपने शुमाइला की शादी अपने बेटे काशिफ से की है, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप मरियम को अपने घर की बहू बना लें, यानी कि अपने छोटे बेटे से मेरी बेटी की शादी कर दें। जिस पर उसकी बहन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो इतना छोटा है मरियम से।